और इस साइड पे ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं होती। मेरा
मेरा ख्याल है वो ज़्यादा चुस्त हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, मेंटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत अच्छा उनको आंसर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, अपने आप को कंपोज रखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो हम यानी उसमें एंथुसियास्टिक बहुत हैं वो और पुरजोश रहते हैं, आगे बढ़ने की उनमें सलाहियतें ज़्यादा अच्छी आगे आ रही हैं और वो अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, अपनी फूड का बहुत ख्याल रखते हैं, खुद से उनको होता है कि मैं मार्शल बच्चों को ये तो दे दी जाती है कि वो डिसिप्लिन पैदा करें अपने अंदर और कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके अपने स्पोर्ट्स में ग्रेड को ऐसा बना रखें। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं उनको स्कूल में या इनिशियल लाइफ में इसकी तबीयत हमारे मुल्क के हालात आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जहाँ स्कूलों को अपने मार्शल आर्ट बच्चों के अंदर डिसिप्लिन पैदा कराने के लिए मार्शल आर्ट सीखना ज़रूरी है, इससे डिफेंस करना भी आता है और बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट की वजह से पैदा होती है। जी हाँ बिल्कुल, इससे बच्चों की फिजिकल जो सी हेल्थ है वो आम इंसान से 20% ज़्यादा बेहतर होती है, ये बिल्कुल बीमारियों से बचा रहता है। और हमारा मोटो ये है कि जिन मुल्कों के जिम्स और क्लब्स भरे होते हैं उनके जेल खाने और हस्पताल खाली होते हैं।